पानी का टॉपिक उम्मीद है लोगों से मजाक की होगी। अगर कुछ भी सवाल हो या दोबारा रिपीट करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। फिर है आगे ना वर्थरी जारी पानी। जारी पानी वो है जो ज़मीन से उबले और बहता हो, मसलन चश्मे का पानी, कारेज का पानी, नहर वाला दरिया, समंदर का पानी। जारी पानी अगरचे कुर से कम ही क्यों ना हो, नजासत के आम मिलने से नजस नहीं होता। नजासत की वजह से उसकी बू, रंग या जायका बदला ना हो और अगर नजासत जारी पानी से आम मिले तो उसके इतने मकदार जिसकी बू, रंग या जायका नजासत मिलने की वजह से बदल जाए वो तो नजस होता है। यानी कि कोई नजासत अगर मिल गई है जारी पानी में जिसका जितना कुछ मिली होती है वो नजस होकर बाकी पानी पाकशुमार होगा। और अलबत्ता इस पानी का वो हिस्सा जो चश्मे से मुतसिल हो यानी कि उससे जुड़ा हो, उसी के साथ ही हो तो वो पाक है। हाँ, इसकी मकदार एक कुर से कम ही क्यों ना हो। फिर है नदी की दूसरी तरफ का पानी अगर एक कुर जितना हो या उस पानी के बाद जिसमें रंग, भू या जायका कोई तब्दीली वाक्य नहीं हो, चश्मे की तरफ के पानी से मिला हुआ हो, वो पाक है वरना निजस है। अगर किसी चश्मे मसलन मतलब चश्मे का पानी जारी ना हो, मतलब ये ठहरा हुआ है लेकिन लोग उसको कह रहे कि चश्मा है, लेकिन सूरत हाल ये हो कि जब इसमें से पानी निकाल लें तो दोबारा उसका पानी उबल पड़ता हो, तो पानी जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। यानी अगर निजासत इससे आम मिले तो निजस हो जाता है। नदी या नहर के किनारे का पानी जो साकिन हो, मतलब रुका हुआ ना, और जारी पानी से मुतसिल हो यानी कि उससे जुड़ा हुआ, जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। ओके, इसके बाद जो है वो अगले पॉइंट्स जो हैं वो आपको इंशाल्लाह दोबारा तफसील में बताए जाएंगे। किसी को तफसील दरकार हो तो ये पॉइंट्स नीचे वाले फिर उसमें आ जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको मज़ीद तफसील इसकी बताऊँगी। तमाम दो और शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।